छत्तीसगढ़ की सूरजपुर पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह अब तक करोड़ों के जाली नोट बाजार में खपा चुका है। पुलिस ने गिरोह के दो सरगना जियाउल हक और मुकुल हक को गिरफ्तार किया है। दोनों पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। इनसे 1 लाख के जाली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी नकली करेंसी बांग्लादेश से लाते थे और फिर इसे छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में खपाते थे। 20,000 रुपये के बदले 1 लाख के जाली नोट का सौदा होता था। ये दोनों शातिर आरोपी खांसी की दवाई भी सप्लाई करते थे। गिरोह का पर्दाफाश कुदरगढ़ मेले में हुआ, जहां इनसे जुड़ा एक व्यक्ति नकली नोट खपाते पकड़ा गया था। पुलिस इस मामले में गिरोह से जुड़े 7 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। सामान्य तौर पे कंप्यूटर प्रिंटिंग और कलर प्रिंटिंग के द्वारा छपे हुए नोट थे, जिनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती थी। एक बिल्कुल हूबहू नोट है, इसको आधार बनाकर और इसमें देश में किस तरीके के चैनल चल रहे हैं इसको आधार बनाते हुए किस तरीके की मॉडर्न सप्रंडी अपनाते हैं और जहाँ जहाँ पे इस तरीके की जो धरा पकड़ी हुई है पूर्व में, उनकी सब जगह से हमने जानकारी लेते हुए इसमें हमने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया अभी प्रारंभिक पूछताछ में कि इनको ये नोट बांग्लादेश से मिलते थे और बांग्लादेश के जो इनका कनेक्शन है वो इनको ये बता रहा है कि नोट कहीं बाहर से आ रहे थे। तो हम इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम ये चीज़ बता पाएंगे कि ये नोट कहाँ प्रिंटिंग हो रही थी। इस गिरोह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है दीपक। दीपक से जब हमने बातचीत की तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अब तक पिछले 15 वर्षों में कुल 52 करोड़ रुपये के नकली नोट वो खपा चुका है।